देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। इटावा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार सिविल लाइंस पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। सिविल लाइंस पुलिस ने खुद की पकड़ बताने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले सिविल लाइंस क्षेत्र में रहने वाले मनोज वाजपेयी अपने घर से लापता हो गया था, जिसकी रिपोर्ट उनकी पत्नी से सिविल लाइंस थाना में दर्ज कराई थी और बताया था कि तीन लोगों ने मेरे पति का अपहरण कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और मनोज कुमार का फोन ट्रैक करने की कोशिश की तो पता चला कि मनोज कुमार हरिद्वार में जूनागढ़ महाराज के पुल के पास अपना नाम बदल कर रह रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मनोज कुमार को गिरफ्तार किया। पकड़े गए मनोज कुमार ने बताया कि उसके ऊपर लोगों का काफी कर्जा था, इस वजह से वह वहां से फरार हो गया और अपनी अपहरण की झूठी रिपोर्ट पत्नी द्वारा सिविल लाइंस थाने में लिखवाई। पुलिस ने पकड़े गए मनोज कुमार पर कार्रवाई करते हुए मनोज कुमार को जेल भेजा। पेश है इटावा से राहुल तिवारी की एक खास रिपोर्ट। दिखाया गया था उसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में सिविल लाइन थाने की फोर्स लगाई गई थी, टीम बनाई गई थी, जिसमें अपहृत को हरिद्वार के धूमगिरी आश्रम से बरामद किया गया है। इनके द्वारा लोगों से पैसा लिया गया था और ये उसी को जब लोगों ने मांगना शुरू कर दिया तो इन्होंने अपने घर वालों से मतलब बता करके और अपने को छिपा लिया और तीन व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर दिया और बाद में इनके घर वालों द्वारा दबाव डाला जा रहा था कि उनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर पूछताछ करके उनको जेल भेजा जाए, जिसमें एक आदमी को जेल भी भेजा जा चुका है। और इसके बाद भी जो ब्राह्मण सभा और अन्य अन्य लोगों जो प्रतिष्ठित लोग थे उनके द्वारा बार बार पुलिस के पास आके दबाव डाला जा रहा था कि वो गायब है, उसको ढूंढवाया जाए। बहुत दिन बाद मतलब एक तारीख को ये अपने को छुपा लिए और इन्होंने जब ये मिले, इनसे पूछा गया, इन्होंने बताया कि पैसे के लेन देन से मैं परेशान मतलब लोगों के मांगने पर परेशान था, इसलिए मैं एक तारीख को ही बस में बैठ करके दिल्ली चला गया और दिल्ली से हरिद्वार चला गया था। हरिद्वार में भी धूमगिरी आश्रम में जहाँ ये थे अपने को टीचर बता रहे थे और टीचर में भी ये बताया कि मैं मेरठ के रहने वाला हूँ और पत्नी से मुझसे कुछ अनबन हो गई है, इसलिए मैं चलाया हूँ, वहाँ नाम बदल के रह रहे थे। इस तरह की ये किस्सा है, ये मिल गए हैं। इनके विरुद्ध थाना सिविल लाइन में 211, 120 बी और 182 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो निर्दोष आरोपी को गिरफ्तार किया गया, निर्दोष आरोपी जो गिरफ्तार किए गए थे उनको 169 के माध्यम से 169 की रिपोर्ट होती है, उसको रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर उनको जेल से वापस लाया जाएगा। और हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का ये कथन है कि इस तरह से जो निर्दोष आदमियों को फंसाने के लिए घटना बनाते हुए जो अभियोग पंजीकृत कराते हैं उनके विरुद्ध भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई उसमें भी की जाएगी, जिससे कोई ऐसी गलती न करे।